हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हो? सबसे पहले मैं अपने उन सभी फ्रेंड्स का थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम मलाई से घी बनाने जा रहे हैं। मैंने 1 वीक की मलाई को इकट्ठी करके रखा हुआ है। आप जब भी घी बनाने जाएँ तो इसे कम से कम 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के रख दें। अब हम अपना घी बनाएंगे फ्रेंड्स। अब हम अपनी मलाई को एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। अगर आप मक्खन ठंड में निकालने जा रहे हैं मलाई से, तो इसमें हम गर्म पानी का यूज़ करेंगे। अगर हम गर्मी में बनाने जा रहे हैं तो इसमें ठंडा पानी या नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे। अब हम इसमें अपना पानी डालेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। हमारा मक्खन बन गया है, आप देख सकते हैं। ये जो लस्सी है ये अलग हो जाएगी, जो मलाई थी उसमें से लस्सी बन जाएगी और घी अलग हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम इसे अपने बर्तन में निकालेंगे। हम अपने मक्खन को ऐसे करके निकालेंगे ताकि जो इसमें लस्सी है वो अलग हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने ये मक्खन अलग से रख लिया है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये मक्खन निकाल के रख लिया है। इस मक्खन को अब हम मेल्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारा घी मैंने मलाई से ही बनाया है। अब हम अपने घी को धीमी आंच पर गरम करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप घी बनाने जा रहे हैं तो प्लीज़ 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पहली, आप अपनी मलाई को 1 घंटा पहले बाहर रखें ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और दूसरी, अगर आप ठंड में घी बनाने जा रहे हैं तो गर्म पानी का यूज़ करें, और अगर आप गर्मी में घी बनाने जा रहे हैं तो नॉर्मल या ठंडा पानी यूज़ करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चेक करेंगे, हमारा मक्खन अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब फ्रेंड्स, हमारा घी ठंडा हो गया है। अब हम इसके जो वाइट पार्ट है इसे अलग निकाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसका जो वाइट पार्ट था वो सारा निकाल लिया है। अब फ्रेंड, हम इसमें अपना 2 ग्लास पानी डाल के इसको फ्रिज में रखेंगे। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा घी ऊपर आ जाएगा और सारा जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे ही रह जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा घी एकदम अच्छे से जम गया है। अब हम इसको अलग से निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। हमने अपने घी को अलग से निकाल लिया है, देखो बिल्कुल एकदम दानेदार है और ये पानी इसका अलग हो गया है। अब हम अपने घी को मेल्ट करेंगे। अब हम अपने घी को गरम करेंगे। फ्रेंड्स, जब हमने मक्खन बनाया था तब हमारी ये लस्सी बन गई थी, उससे आप इसे कढ़ी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी कढ़ी बनती है इससे। हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब छन्नी की सहायता इसे छानेंगे। हमारा घी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे, मैं डेली अपना इसी में से छान के डालती हूँ। आपको ये 1 स्पून की हेल्प से ऐसे लेना है और इसको ऐसे डालना है। ये घी फ्रेंड्स 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है जो इसमें लस्सी है वो इस घी में बिल्कुल भी ना जाए। अगर लस्सी थोड़ी सी भी चले गई ना तो हमारा घी ख़राब हो जाएगा, उसमें स्मेल हो जाएगी। इसलिए जब हम घी को डालेंगे तो ऊपर से घी को लेके बारीक छन्नी में से इसे स्टोर करेंगे। हमारा घी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छा घी बना है। दोस्तों, घी बनाते वक्त आप चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप घी को डालें तो इसमें थोड़ी सी भी लस्सी ना जाए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
फ्रेंड्स, जब हमने घी बनाया था और उसमें पानी डाल के फ्रिज में रखा था, हमने घी को तो अब निकाल लिया है और ये पानी जो बच गया इससे अपना आटा लगाए, इससे इतनी सॉफ्ट रोटियां बनती है। रियली आप बनाकर मुझे ज़रूर बताएं।